हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी जीके एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पे पूरा बात करूँगा मैं रेलवे आरआरबी जेई के बारे में। यहाँ पे एग्ज़ाम एस्टिमेशन और आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा मॉक टेस्ट ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से पूरा डिटेल बताऊँगा। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पल पल की अपडेट के लिए प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों यहाँ से देखिए, बहुत बड़ी यहाँ से एक न्यूज निकल के आ रही है। आपकी जो रेलवे की जेई की एग्ज़ाम है, इसमें आपको मॉक टेस्ट उन्हीं का यहाँ पे होगा जिसका एग्ज़ाम 22 तारीख को कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए जिसका 22 को कराया जाएगा एग्ज़ाम, उसका मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको 12-13 तारीख से आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर 12 तारीख से चल रहा है, ठीक है। और जिसका एग्ज़ाम 23 तारीख को कराया जाएगा, यानी कि आपको 13 तारीख को ओपन होगा या 14 तारीख को ओपन होगा 13 तारीख के लिए मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक दिन बढ़ते जाएगा, जिसका 24 को होगा उसका यहाँ पे 14 तारीख को मॉक टेस्ट के लिए ओपन होगा। यानी कि यहाँ पे मॉक टेस्ट वही दे सकते हैं जिसका 22 तारीख को एग्ज़ाम है। यानी कि एग्ज़ाम बहुत सारे चरणों में कराए जाएंगे, 22, 23, 24। ऐसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड तभी कर पाएंगे जब 4 दिन बचा रहेगा आपके एग्ज़ाम के, तब डाउनलोड आराम से आपको होगा। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, कैसे लॉगिन करना है सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। यहाँ से देखिए अपना लॉगिन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ट्रैवल पास डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से सारी सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं कि आपका कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे में जाते हैं, वहाँ से हम देखेंगे एक बार कि लॉगिन आपको कैसे करना है। यहाँ से देख सकते हैं सिटी इंटीमेशन फॉर CBT-1 इज अवेलेबल फॉर कैंडिडेट शेड्यूल ऑन 22 मई। जिसका एग्ज़ाम 22 को होगा उन्हीं का यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के लिए अवेलेबल कराया गया है। और ई कॉल लेटर आप 4 दिन पहले यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ई ट्रैवल पास, देखिए फ्री ट्रैवल पास SC ST कैंडिडेट के लिए होता है, तो अपना डाउनलोड करके फ्री ट्रैवल पास आप बनवा सकते हैं। और यहाँ पूरा डिटेल हम देख लेते हैं कि आपका सिटी इंटीमेशन मॉक टेस्ट आपको कैसे यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से एक ही से आप सारे जितने भी आपके हैं वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों जाने के बाद आपको यहाँ से चूज करना है कि किस जोन में आपने अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे सभी का जोन दे दिया गया है, जिस जोन से भी आपने भरा है फॉर्म, कोलकाता जोन, सभी जोन यहाँ पर जितने भी जोन हैं RRB JE के थ्रू जो आपके कराए जा रहे हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जिस जोन से आपने अप्लाई किया। जैसे इलाहाबाद से किसी ने अप्लाई किया है तो आप इलाहाबाद चूज कर लीजिए। इलाहाबाद चूज करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जिसका दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के बाद लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा ऊपर में मॉक टेस्ट बन के आएगा, मॉक टेस्ट हरा से लिखा रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम इंटीमेशन लिखा रहेगा और बगल में ट्रैवल पास लिखा रहेगा। जो भी आपको डाउनलोड करना है, जो भी देखना है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि 22 तारीख को जिसका एग्ज़ाम है उसका ही मॉक टेस्ट केवल होगा। और यहां से अपना देख सकते हैं जिसका 22 तारीख को है, और यहां से आप देख सकते हैं अपना एग्ज़ाम की कहां पे आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, और यहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि ट्रैवल पास आपका SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका ट्रैवल पास के लिए वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सारी प्रोसेस है, आप अभी अपना एग्ज़ाम देख सकते हैं स्टेटस यहाँ से लॉगिन करके। इसका लिंक देता हूँ सीधे डिस्क्रिप्शन में, लिंक रहेगा, अपना यहाँ से चूज कर लीजिए कि किस RRB से आपने अप्लाई किया है, वहाँ से चूज करके लॉगिन करके अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं। किसी का अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता कि यहाँ पर किस तरह से आपको लॉगिन करना है, पूरा डिटेल भी दिखा देता मैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, यदि आप एग्ज़ाम की सीरियस से तैयारी कर रहे हैं तो आप लग जाइए, क्योंकि 10 दिन मात्र बचे हुए हैं, और सारा चीज़ भूल जाइए क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कहूँगा,